देश में एक आम परिवार का खर्च साल 2011-12 की अपेक्षा करीब दोगुना से अधिक बढ़ गई है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किए गए एक ताज़ा अध्ययन में ये बातें सामने आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO के द्वारा अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक देश भर में घरेलू खर्च को लेकर सर्वे किया था। इसमें ये बातें सामने आई कि ग्रामीण परिवार का औसत खर्च 3,773 रुपये पहुँच गया है। ये साल 2011-12 में 1,430 रुपये मात्र था। इसके साथ ही घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर MPCI साल 2022-23 में 2,008 रुपये हो गया था, जो साल 2011-12 में केवल 1,430 रुपये था। लोगों के कुल खर्च में पढ़ाई और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में इजाफा हुआ है। ग्रामीण इलाकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में पिछले 10 सालों में खर्च बढ़ा है। साल 2022-23 में शहरी परिवार का औसत खर्च 6,459 रुपये हो गया था, जो 2011-12 के दौरान महज 2,630 रुपये था। शहरी क्षेत्र में MPCI पिछले 10 सालों में 2,630 से बढ़कर 3,510 रुपये तक पहुंच गया है। NSSO के द्वारा MPCI के आंकड़ों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,61,746 घरों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 1,55,014 रुपये घर और शहरी 1,06,732 घरों में शामिल किया गया है। सरकार के द्वारा किए जाने वाले सर्वे का लक्ष्य आम आदमी के खर्च में किस तरह बदलाव हो रहा है और अलग अलग राज्यों के शहरों और ग्रामीण इलाकों में खर्च करने के पैटर्न की भी जानकारी मिलती है। इसी सर्वे के आधार पर सरकार अपनी योजनाएं बनाती है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लोग समृद्ध हो रहे हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित इस कंज्यूमर एक्सपेंस सर्वे में कई बातें सामने आई हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि घरेलू खपत के आंकड़ों से हम यह आंकलन कर सकते हैं कि देश में गरीबी की स्थिति क्या है और गरीबी उन्मूलन के उपाय कितने सफल रहे हैं। देश में गरीबी केवल 0 से 5% समूह में है। उन्होंने कहा कि यह मेरा आंकलन है कि अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करेंगे और बिल्कुल सही आंकड़े सामने लाएंगे। उन्होंने सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत में लगभग 2.5% गुना की वृद्धि हुई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।